बॉलीवुड फिल्में हमेशा हमारी जिंदगी को प्रभावित करती हैं, लेकिन कुछ फिल्में ऐसी भी हैं जो हमसे और हमारी जिंदगी से प्रभावित होती हैं। जिंदगी हो तो स्मगलर जैसी, सारी दुनिया राख की तरह नीचे और खुद धुएं की तरह ऊपर। नमस्कार, स्वागत है आपका watchmujhe.com पर, और आज हम लेकर आए हैं बॉलीवुड की टॉप 10 फिल्में जो सच्ची घटनाओं पर आधारित है। इस लिस्ट में हमने बायोग्राफीज को शामिल नहीं किया है। फिल्मों का चुनाव इस आधार पर किया गया है कि वो कितनी रियलिस्टिक हैं। एक बात हमेशा याद रखना रणवीर सिंह, असली पावर दिल में होती है। नंबर 10, एयरलिफ्ट। गूगल पे अगर बिगेस्ट एवेक्यूशन इन हिस्ट्री सर्च किया जाए तो सबसे ऊपर आता है 1990 एयरलिफ्ट ऑफ इंडियंस फ्रॉम कुवैत। लेकिन अफसोस की फिल्म के आने से पहले बहुत कम ही लोगों को अपने देश की इस उपलब्धि के बारे में पता था। इस घटनाक्रम को बड़े पर्दे पर लेकर आने का जिम्मा लिया राजा कृष्णम मेनन ने। मेरे आंखों के सामने मेरे ड्राइवर को गोली मार दी एक 16 साल के इराकी सोल्जर ने। 1990 में सद्दाम हुसैन के कुवैत पे हमले के बाद वहां के हालात काफी बिगड़ गए, जिसके बाद वहां 170,000 से ज्यादा भारतीय फंस गए। रंजीत कटियाल, जो कि वहां पे एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, जब वो अपनी फैमिली को लेकर वहां से निकलने वाला होता है तब उसे अन्य भारतीयों के फंसे होने के बारे में पता चलता है, जिसके बाद वो बाकी भारतीयों की भी कुवैत से बाहर निकलने में मदद करता है। और काफी कोशिशों के बाद एयर इंडिया की मदद से 8 दिनों में 175,000 भारतीयों को कुवैत से भारत लाया जाता है। साथ है तो कुछ है वरना। नंबर 9, शूट आउट एट लोखंडवाला। मुंबई अंडरवर्ल्ड और अंडरवर्ल्ड का सबसे बड़ा नाम डी कंपनी, उसके लिए काम करने वाला माया डोलस जबरन वसूली और अन्य अपराधों के लिए 1991 में लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स में हुए एनकाउंटर में मारा गया। इस एनकाउंटर को अंजाम दिया एटीएस के चीफ अफताब अहमद खान और उनकी टीम ने। 2007 में इस पर फिल्म आई जिसे अपूर्व लाखिया ने डायरेक्ट किया। माया अपनी बात से पलट ही नहीं सकता ना भाई, इज्जत है उनका। फिल्म में माया डोलस का किरदार विवेक ओबरॉय ने और अफताब अहमद खान का किरदार संजय दत्त ने निभाया, जिसका नाम बदलकर शमशेर खान कर दिया गया। साथ ही इसमें निभाए गए अन्य किरदार भी असल जिंदगी से लिए गए। वैसे तो सभी ने अपने किरदारों को बखूबी निभाया, लेकिन विवेक ओबरॉय की परफॉर्मेंस सबसे खास रही। फिल्म में एक्शन सीक्वेंसेस बेहतरीन हैं, जो काफी रियल लगते हैं। कई सीन्स रियल लोकेशन लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स में ही शूट किए गए, जिसे भीड़ के बीच शूट करना काफी मुश्किल था, जिसके बाद इसका एक चेस सीक्वेंस 5 हिडन कैमरास की मदद से शूट किया गया। नंबर 8, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई। 1970 का बॉम्बे, जब अंडरवर्ल्ड वहां अपनी पैर तेजी से जमा रहा था, तब दो नाम सबसे ज्यादा चर्चे में थे, हाजी मस्तान और दाऊद इब्राहिम। इस शहर को चलाने के लिए सिर्फ दो लोग चाहिए, सुल्तान और मैं, बाकी पांडू सब बनवास चाहेंगे। जहां मुंबई अंडरवर्ल्ड की शुरुआत अपराध और तस्करी से हुई और बाद में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादियों से संबंध तक जा पहुंची। ऐसा माना जाता है कि फिल्म गैंगस्टर हाजी मस्तान और दाऊद इब्राहिम की असल जिंदगी पर आधारित है, जिसे सुल्तान और शोएब के किरदारों द्वारा दिखाया गया है। फिल्म के डायलॉग्स और गाने लोगों की जुबान पे छाए रहे और कई अवार्ड्स भी अपने नाम किए। इसमें सुल्तान मिर्जा के किरदार के लिए पहले संजय दत्त को चुना गया था, लेकिन बाद में ये रोल अजय देवगन को मिला। ये डायरेक्टर मिलन लुथरिया और अजय देवगन की साथ में तीसरी फिल्म थी। शेर से हल चलाओगे तो किसान तो मरेगा ही। हिम्मत बताई नहीं, दिखाई जाती है। नंबर 7, फिराक। 2002 में गुजरात दंगों ने ना जाने कितने मासूमों की जान ली। हजारों लोग बेघर हुए, कई महिलाओं के बलात्कार हुए, जिसके बारे में आज तक पता ही नहीं चला। ये फिल्म इन दंगों के एक महीने बाद आम जनजीवन पर हुए असर को दिखाती है। फिल्म में दंगों को आम लोगों के नजरिए से पेश करने की कोशिश की गई है। वो लोग जो इसका शिकार हुए, वो लोग जो बस जो हुआ देखते रहे, और वो लोग जो इन दंगों के अपराधी थे। फिल्म आम लोगों से एक सवाल पूछती है कि जब समय वहशी होता है तो क्या इंसान भी क्रूर बन जाता है। फिल्म में किरदारों के जानदार परफॉर्मेंस और नंदिता दास के शानदार डायरेक्शन को काफी सराहा गया और 2 नेशनल अवार्ड्स जीतने में भी कामयाब हुई। तुम समीर अरशद शेख हो और ये बात कहीं बदलने वाली नहीं है। नंबर 6, स्पेशल 26। भारत में जितने भी रईस हैं सभी कहीं ना कहीं एक डिपार्टमेंट से डरते हैं, और वो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। क्योंकि जब इनकम टैक्स की रेड पड़ती है ना, तो बड़े बड़े रईस की हालत खराब हो जाती है। अज्जू हमेशा कहता था कि वो आदमी पैदा ही नहीं हुआ जो उसे पकड़ सके। लेकिन भारत में एक बार ऐसा भी हुआ जब कुछ लोगों ने अच्छे से प्लान करके मुंबई के TBZ ज्वेलर्स के ओपरा हाउस ब्रांच पर इनकम टैक्स की नकली रेड मारी,
और 30 से 35 लाख रुपए की ज्वेलरी और कैश उड़ा ले गए। ये केस आज तक सॉल्व नहीं हो पाया। 2013 में इस पूरी घटना के ऊपर नीरज पांडे ने फिल्म बनाई। अक्षय कुमार को इस फिल्म की स्टोरी इतनी पसंद आई थी कि उन्होंने अपनी फीस हाफ कर दी थी। इस फिल्म को तमिल में भी बनाया गया है, जिसे इसी साल जनवरी में रिलीज किया गया। एक बात याद रखना तुम लोग, असली पावर दिल में होती। नंबर 5, गैंग्स ऑफ वासेपुर। बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेगा तेरा फैजर। फिल्म का ये डायलॉग आज भी लोगों की जुबा पे है और आगे भी कई सालों तक रहेगा। सिर्फ यही नहीं बल्कि फिल्म के और भी डायलॉग्स, फिल्म के गाने, फिल्म में किरदारों के नाम तब तब याद किए जाएंगे जब जब अनुराग कश्यप की बात होगी। गैंग्स ऑफ वासेपुर वो फिल्म है जिसने अनुराग कश्यप और नवाजुद्दीन सिद्दीकी को एक नई पहचान दिलाई। ये सीरीज हमें 1940 से 2000 के बीच धनबाद और उसके आसपास चले माफिया राज के बारे में बताती है। फिल्म को जीशान कादरी ने लिखा था, जो वासेपुर में ही पैदा हुए थे। इसके साथ ही उन्होंने फिल्म में डेफिनेट खान का किरदार भी निभाया था। इसे एक पार्ट में ही बनाया गया था, लेकिन आप जानते हैं कि भारत में कोई भी थिएटर 5 घंटे से ज्यादा की फिल्म नहीं दिखाता, इसलिए इसे 2 पार्ट में रिलीज किया गया। करण अर्जुन चलना, करण अर्जुन देख के आते हैं, शाहरुख सलमान दोनों। नंबर 4, तलवार। कुछ लोगों का नाम उनके काम से होता है और कुछ लोगों का बदनाम होकर, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी पॉपुलैरिटी का रीजन उनका मर्डर होता है। नोएडा में रहने वाली आरुषि तलवार को उस दिन से पहले कोई नहीं जानता था जब उसका मर्डर हुआ। 2008 के इस केस ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया और आज तक पता नहीं चला कि आरुषि को किसने मारा। ये लड़की माफी मांग रही है अपने डैडी से कि डैडी गलती हो गई, आगे से नहीं करूंगी। कौन सी थी वो गलती? इस बिना क्लाइमेक्स की कहानी पर फिल्म बनाने की हिम्मत की गुलजार साहब की बेटी मेघना गुलजार ने। फिल्म सफल रही, लेकिन हमें ये सीख दे गई कि हमारे देश की कानून व्यवस्था आज भी कितनी असफल है। खैर, आप इस फिल्म को देखिए और बताइए कि आरुषि को किसने मारा। मैंने ये खून नहीं किया है, मैंने अपनी बेटी को नहीं मारा। नंबर 3, एक डॉक्टर की मौत। अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर सालों की रिसर्च के बाद डॉक्टर दीपांकर रॉय कुष्ठ रोग का टीका खोज लेते हैं। न्यूज मीडिया में आग की तरह फैलती है और रातों रात एक मामूली जूनियर डॉक्टर को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिल जाती है। आप लोग अपने आप को डॉक्टर्स कहते हैं, आप लोगों को तो लेप्रेसी के दवाओं के नाम तक नहीं मालूम है। लेकिन ये कामयाबी कुछ बड़े डॉक्टर्स को खटकने लगती है, जिसके डॉक्टर दीपांकर शिकार हो जाते हैं। फिल्म डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय के जीवन पर आधारित है, जो एक भारतीय फिजिशियन थे जिन्होंने IVF यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के बारे में पता लगाया था, ठीक उसी वक्त जब एक बड़े साइंटिस्ट डॉक्टर रॉबर्ट एडवर्ड्स इंग्लैंड में एक सेपरेट एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। फिल्म में ये दिखाने की कोशिश की गई है कि कैसे जब कोई छोटा डॉक्टर कुछ बड़ा हासिल करने की कोशिश करता है तो उसी के डिपार्टमेंट के लोग उसको बेइज्जत और शर्मिंदा करते हैं, बजाय उसकी सराहना करने और मान्यता दिलाने के। इस फिल्म को क्रिटिक्स और राइटर्स के बीच जबरदस्त सराहना मिली और 3 नेशनल अवार्ड भी मिले। सिर्फ हमारे देश में 35 से 40 लाख लोग ऐसे हैं जो इस बीमारी के शिकार। नंबर 2, ब्लैक फ्राइडे। चलते रहने वाली और कभी न थमने वाली मुंबई पर अगर कोई सबसे बड़ा हमला था तो वो था 1993 मुंबई बम ब्लास्ट, जहां 13 जगह हुए धमाके ने मुंबई को हिला कर रख दिया था। ये इस तरह का दुनिया में पहला धमाका था। फिल्म हुसैन जायदी के इसी नाम से आई किताब पर आधारित है, जिस पर सबसे पहले एक न्यूज चैनल के लिए टेलीविजन सीरीज लिखा जाना था, जिसके लिए अनुराग कश्यप को अप्रोच किया गया था। दाऊद इब्राहिम, ये नंबर तुमको किसने दिया? सर, मैं सरेंडर करना चाहता हूँ। मैंने कुछ किया नहीं, फिर भी मुझे लोग ब्लास्ट में खींच रहे। लेकिन बाद में उनको ये किताब इतनी पसंद आई कि उन्हें लगा कि इस पर फिल्म बननी चाहिए और 1 साल के रिसर्च के बाद कश्यप ने ये फिल्म बनाई। फिल्म इतनी विवादित थी कि भारतीय सेंसर बोर्ड ने फिल्म के रिलीज पर रोक लगा दी, जब तक कि टाडा कोर्ट का मुंबई ब्लास्ट पर फैसला नहीं आ गया। और आखिरकार 3 साल के इंतजार के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म को 2007 में रिलीज करने की परमिशन दे दी। घर में अब्बा की तबीयत बहुत खराब थी, मैं जॉब छोड़ना चाहता था, मेरे को दूसरा जॉब मिल लेता मेरे को। नंबर 1, बॉर्डर। भारत और पाकिस्तान की दुश्मनी दुनिया भर में प्रसिद्ध है। जब भी पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया है, हमारी सेना ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया है। इसकी शुरुआत 1971 में हुई, जब लोंगेवाला में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ। ये पश्चिमी क्षेत्र में दोनों देशों का अब तक का सबसे बड़ा आमना सामना था।
युद्ध में भारत ने पाकिस्तान को बुरी तरह हराया और पाकिस्तान के 200 से ज्यादा सैनिकों को मार गिराया, साथ ही उनके 34 टैंक्स और 500 से ज्यादा वाहनों को नष्ट कर दिया। भारतीय सेना की इस सफलता को बड़े पर्दे पर लेकर आए जेपी दत्ता। मेरी माँ के पैरों को छू के तू। चाहे वो फिल्म का म्यूजिक हो, एक्शन हो या फिल्म की स्टारकास्ट, किसी भी डिपार्टमेंट में फिल्म का जवाब नहीं। फिल्म उस साल की भारत में सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म थी और इसने 3 नेशनल अवार्ड्स जीते। इसके गाने सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी बहुत पॉपुलर हुए। फिल्म के अंत में मेरे दुश्मन मेरे भाई गाने के जरिए एंटी वॉर मैसेज भी दिया गया है। मेरे दुश्मन मेरे भाई मेरे हमसाए। क्या आपकी जिंदगी भी कभी किसी फिल्म से प्रभावित हुई है? इनमें से आपकी पसंदीदा फिल्म कौन सी है? ऐसे ही लाजवाब टॉप 10 वीडियोस के लिए watchmuje.com के साथ बने रहें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।